उतना ही सारगर्भित है, उतना ही प्रैक्टिकल है, एप्लीकेबल है जिन समस्याओं को 1978 में सॉल्व करना चाहते थे, लोगों को बताते थे, आज है। फर्क इतना हुआ है कि जो सरप्लस लेबर लोकली एंगेज होनी चाहिए, वो सरप्लस लेबर लोकल को छोड़ के वो ग्लोबल या नेशनल लेवल पे चली गई, और जब इस तरह का क्राइसिस आता है तो फिर वो वापस घर की तरफ मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से ऐसी त्रासदी, ऐसा खराब समय बहुत सारे हमारे देशों को देखना भी पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि कोविड का ये समय हमारे परीक्षा का भी समय है, इनोवेशन का भी समय। चॉय साहब 1978 में अपनी बुक में इनोवेशंस के बारे में लिखते, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर के इनोवेशंस के बारे में लिखते, नवाचार हो कृषि में नवाचार। अब नवाचार 1978 में क्या थे और 2020 में क्या है, ये एक बड़ा बहस का विषय हो सकता है। लेकिन उस समय नवाचार का दौर अलग था, नया सोचने का तरीका था, लेकिन इनोवेशंस की बात उस समय भी करते। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 1978 में कोई सोच सकता है कि सोलर ग्रीन हाउस, प्रोटेक्टेड सोलर ग्रीन हाउस बनेंगे या एक्वापोनिक का प्रोडक्शन शुरू करेंगे या बड़े बड़े बिग हाउस में बिना सनलाइट की मदद से ग्रो लाइट्स के माध्यम से प्रोडक्शन सिस्टम बनेंगे। ये टेक्नोलॉजी की ईजाद है, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी वो है, ये इनोवेशंस वो है, एस्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड के जो इनोवेशंस हैं, जो बड़े आराम से रूरल एरियाज में, चाहे फूड प्रोसेसिंग की हो, चाहे पेरिशेबल फूड्स की पैकेजिंग के सिस्टम्स हो, चाहे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का हो, चाहे मशरूम प्रोडक्शन का हो, चाहे हनी से जुड़ा हुआ उद्योग हो, चाहे मक्का से जुड़े हुए 37 से ज़्यादा तरह की इंडस्ट्रीज हैं वो हो, चाहे दूसरे कोर्स ग्रेन से जुड़ी हुई चीज़ें, ये वो सारी टेक्नोलॉजी है जो इनोवेटिव अप्रोच के साथ हमारे रूरल एरिया का, ग्रामीण क्षेत्रों का एक तरह से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का इको हब क्रिएट कर सकती है। और ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई है, 3 लाख करोड़ का वन टाइम एक तरह से लोन भी है और कहीं कहीं ग्रांट भी है उनको दिया है, ताकि ये एक तरह से इको हब सारे देश भर में क्रिएट हो। और बार बार जो माइग्रेशन ऑफ लेबर की बात है, घर छोड़ के दूसरी जगह जाना, काम करना और छोटे छोटे काम करना, उसके बजाय अपने इलाके में ही वो सब काम करें, तो वो एक अच्छा एक स्टेप है। और ये सिद्ध करता है कि चौहान साहब के विचार को काम हो रहा है और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास लगातार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि हम सब लोग कभी कभी अपने इतिहास के पन्नों को, अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को और अपने पास्ट को, भूतकाल को भी पलट के एक बार हमें ज़रूर देखना चाहिए कि आखिर हमारे विजनरी लोग, हमारे बड़े विचार को बनाने वाले लोग कैसे थे, क्या सोचते थे, जो हमें प्रोटेक्ट करेंगे भविष्य में आने वाली इस तरह की समस्याओं से। क्योंकि ये समस्याएं केवल कोरोना नहीं, कल दूसरे नाम से, दूसरी चीज़ों से इस तरह की समस्याएं आएंगी। लोगों को लाइफस्टाइल बदलेगा, जिस तरह से कोरोना ने बहुत सारे चीज़ों को बदल दिया, आज लोग बाजार का खाना नहीं, घर में खाना पसंद करते हैं, आज लोग घर में रहना पसंद करते हैं, आज लोगों से मिलना पसंद, सामाजिक गैदरिंग बंद हो गई है, सोशल फंक्शन प्रभावित हो रहे हैं, फ्लाइट्स, मूवमेंट, सारी चीज़ें बंद हैं। ऐसी चीज़ें भविष्य में भी हो सकती हैं, इसलिए सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनना, पर्सनली भी आत्मनिर्भर बनना, फैमिली को भी आत्मनिर्भर बनाना, अपनी बस्ती, अपने गांव को भी आत्मनिर्भर बनाना, अपनी लोकलिटी को भी बनाना, अपने देश को भी आत्मनिर्भर बनाना, यही चौधरी चरण सिंह जी का संदेश है, विचार है। उस समय वो जिस कुटीर उद्योगों की बात करते हैं 1978 बचपन में,
मेरे साथ मेरी उम्र के और मेरे से बड़ी उम्र के बहुत सारे लोगों को पता होगा कि गांव छोटे छोटे सेल्फ सस्टेन्ड मोड होता था गांव का, वहीं बढ़ई होता था, वहीं लोहार होता था, वहीं सुनार होता था, वहीं दर्जी होता था, वहीं कपड़े बुनने के लिए जुलाहे होते। एक और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही एक्सचेंज की कमोडिटी थी, पैसा भी नहीं होता था, अनाज के बदले फसल पे सब आपस में मिल बांट के करते थे और एक सेल्फ रिलायंस मोड में रहते थे, किसी को गांव को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। और मुझे उस समय भी याद है कि बहुत से लोग जिनकी सरकारी नौकरी लग जाती थी वो अपनी नौकरी छोड़ के वापस खेती में आ जाते थे, ये कह के कि दूसरे की नौकरी करने से बेटर है अपनी खेती करना। ये परंपरा बदली है, आज अच्छी खासी खेती करने वाले लोग भी, 55% किसान भी ऑप्शन अगर उसको मिले तो वो खेती छोड़ने को तैयार है। किसान का बेटा किसान करने को तैयार नहीं, गांव कमजोर हुआ है लेकिन सबसे मजबूत है, देश के लिए, समाज के लिए, अपने भारत के लिए आज भी मजबूत है। उसकी तरफ सोचने की आवश्यकता है और इस आत्मनिर्भरता के युग में एक बार फिर हम जॉय साहब के विचार सोचें, समझें, मनन करें और फिर एक आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, स्वदेशी टेक्नोलॉजी वाला भारत का निर्माण करें, अपने खेत को, किसानी को, कृषि को मजबूत करें। यही जॉय साहब का सबसे बड़ा संदेश हमें होगा। बहुत सारी बातें हैं जॉय साहब जैसे महान व्यक्तित्व को कुछ शब्दों में पिरोना, कुछ शब्दों से उनके बारे में कहना संभव नहीं है। ये एक ऐसी बड़ी किताब है जिसको हमारे देश के नहीं, दुनिया के करोड़ों किसान, किसान को चाहने वाले लोग, गांव को चाहने वाले लोग, गरीब को समझने वाले लोग, मजदूर को समझने वाले लोग जितनी बार भी पढ़ें, जितनी बार भी मनन करें कम है, इसलिए संभव नहीं उनको शब्दों में बांधना। फिर भी कुछ प्रमुख चीज़ों का विचार मनन करना आज आवश्यकता, मुझे विश्वास है कि जॉय साहब के विचारों को जानने वाले लोग खूब अच्छे से परिचित होंगे कि जॉय साहब जिस समय राजनीतिक जीवन में थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, बहुत बार वो लोकसभा सदस्य रहे, मुख्यमंत्री रहे, अपने समय के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में उनकी गिनती थी। अमेरिका सहित दुनिया के बहुत सारे देशों में उनकी किताबें, उनकी रचनाएं, उनके लेख, उनके विचार, उनकी पॉलिसीज़ पढ़ी जाती हैं, मनन की जाती हैं। ऐसे महान मनीषी के बारे में ऐसे संकट के समय में चर्चा करना निश्चित रूप से हम सब लोगों को संतोष देगा और एक बार फिर नए भारत को गढ़ने में हम लोगों की मदद करेगा। मुझे बेहद प्रसन्नता और खुशी है कि वर्तमान सरकार जॉय साहब के विचारों को न केवल अंगीकार किए हुए हैं बल्कि उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात हो, चाहे वो गांधीयन ब्लूप्रिंट की बात हो, चाहे वो खेती में खेती को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे किसान की आमदनी को दुगनी करने की बात हो। जॉय साहब जिन बातों को कहते कहते थक गए, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा लेकिन किसान को क्या मिलेगा, आज उनकी आत्मा को शांति हो रही होगी, उनको अच्छा लग रहा होगा कि किसान को डायरेक्ट बेनिफिट के तहत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सीधा लाभ मिल रहा है। उस समय जो साहब एडवोकेसी करते थे कि किसान को, किसान पर्यावरण को कितना देता है, शहरों को अच्छी हवा देता है, शुद्ध भोजन देता है, अगर किसान ना होता तो कितनी जमीन बंजर पड़ी होती, जिसमें हरी पत्ती नाम की कोई चीज नहीं दिखती, फसल नहीं दिखती। इतना बड़ा जो इकोनॉमिक
एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो चीज़ है, जो ग्रीन डेवलपमेंट किसान ने किया, करीब 14%, 7 से 14% के करीब ज़मीन को ग्रीन किया है ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से किसान ने। कितना ऑक्सीजन, कितनी अच्छी हवा, कितना अच्छा भोजन किसान देता है, उसके बदले में आप लोगों से कुछ नहीं लेता। धन्यवाद के पात्र है वर्तमान सरकार की, जिसने किसान की इस अमूल्य पर्यावरण का जो योगदान है इसको पहचाना है, और किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में उसको कम से कम कुछ डायरेक्ट बेनिफिट देने की बात है। हम लोग जॉय साहब के विचार के बारे में जितनी बार भी चर्चा करेंगे, कुछ ना कुछ नया अच्छी चीज़ें हमें मिलेंगी। इसलिए उनके सिद्धांतों को, उनकी किताबों को पढ़ना और उनके विचारों पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे हमें त्रुटिहीन रास्ता मिलेगा और हम अच्छा कर पाएंगे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने भारत के लिए। आप सब लोगों ने इतना समय दे के सुना और आपस में चर्चा वार्ता की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि भारत सरकार, प्रदेश सरकार और प्रशासन के जो जो भी नियम कानून इस COVID-19 के समय में दिए जाते हैं, उनका अक्षर से पालन करें। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें, नियमानुसार काम पे जाएं, जैसा सरकारी निर्देश है, स्वस्थ रहें, तभी इस देश को सबल अच्छा देश बना पाएंगे। और आज हमेशा याद रखें जो साहब कहते थे, देश की प्रगति का रास्ता किसान और खलियानों से होकर जाता है, गांव और खलियानों से होकर जाता है। इसलिए आप जहां भी रहें, जिस परिस्थिति में रहें, लेकिन अपने गांव को, अपने किसान को, अपने मजदूर मत भूलें, अपनी जड़ों को मत भूलें। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद।